उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पेयजल टैंक में गंदगी और पानी की समस्या को लेकर जिला अधिकारी काफी नाराज हुए। दरअसल जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को शनिवार को कमोड स्थित जल संस्थान कार्यालय में पेयजल की समस्याओं की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के कंट्रोल में दर्ज शिकायतों की जांच करते हुए शिकायतकर्ताओं को फोन लगाकर समस्याओं के निस्तारण की जानकारी भी ली, जिसके बाद वाटर स्टोरेज टैंक और पंप हाउस का निरीक्षण भी किया। वहीं टैंक में जमी मिट्टी और गंदगी को देखते हुए उन्होंने स्टोरेज टैंक की तत्काल सफाई करने का निर्देश दिए। सर ये यही वाला है, ये इसमें कीचड़ है, अगर गलत निकला तो क्या करेंगे? इसका पानी चेक करवा लेते हैं, है ना? आपको कैसे, किसने बताया ये? सर हमारा आप घर ही हुआ यहाँ पे, तो फिर आपने चलता रहे नया बनाया था क्या साफ करोगे सर? 1980 का बना होगा, वहाँ देखो पीछे पड़ता है सर बाढ़ तोड़ उस साइड को, यहाँ भी जब सप्लाई होता है सर 5 मिनट पहले, सप्लाई से 5 मिनट पहले ही डालते हैं, नहीं तो उड़ जाता है सर, क्लोरीन हो जाती है। सुनो ऊपर से ले गया, नहीं अभी चलते हैं, दोनों जरिए नहीं, इधर वाला भी उधर वाला, ठीक सर सुनो, ठीक है। आपको बता दें कि जलघर के टैंकों की सफाई न होने की वजह से पानी इतना गंदा हो चुका है कि जलघर के टैंकों में पानी की जगह गंदगी ज्यादा दिखाई दे रही है। टैंकों की हालत देखकर कोई भी व्यक्ति पीना तो दूर, नहाने के प्रयोग में भी नहीं ला सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।